सुबह की चाय जिसके बिना दिन की शुरुआत नहीं होती, और अगर उस चाय में हो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपको सिर्फ नींद से ही नहीं जगाते बल्कि आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे सर्दी जुकाम से बचाना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट कैंसर। और साथ ही ये मसाला आप चाय ही नहीं बल्कि बच्चों को सर्दी जुकाम होने पर दूध में मिला के भी दे सकते हैं, इससे उन्हें बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो क्या आप ऐसा चाय मसाला बनाना नहीं चाहेंगे? अगर हाँ तो चलिए मेरे साथ इंडियन जायका में। तो सबसे पहले चाय मसाला बनाने के लिए हम ग्राइंडर जार में लेंगे 1/4 कप काली मिर्च, लौंग लेंगे, अगर सर्दी का मौसम है तो इसमें डालें 15-20 लौंग, गर्मी के मौसम में लौंग की क्वांटिटी 4-5 कर दें, और फिर इसमें डालेंगे 25-30 इलायची, एक छोटा पीस दालचीनी, थोड़ा सा जायफल, इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। अब इस मसाले में आप सौंठ डालें, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, नहीं तो आप अदरक को सुखाकर उसका पाउडर बना लें, या फिर इसकी जगह चाय बनाते समय आप फ्रेश अदरक भी चाय में डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हो गया चाय का मसाला तैयार। इसे आप इतना ही बनाएं कि 2-3 वीक में खत्म हो जाए, और फिर नया बनाएं क्योंकि फ्रेश मसाले की खुशबू और इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है। अब इसे काम में कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। तो हमने पानी गर्म किया जिसमें चीनी और चाय की पत्ती डाल रखी है, जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो 2 कप चाय में 1/4 चम्मच चाय मसाला डालेंगे और बॉईल कर लेंगे, फिर इसमें दूध डाल लें और इसमें बॉईल आने पर इसे कप में छान लें। तो हेल्दी फ्लेवरफुल मसाला चाय बनकर के तैयार है जो बहुत टेस्टी भी है। मैं अपनी चाय बिना इस मसाले के नहीं पीती, और यकीन मानिए अगर आपने इस मसाले को एक बार ट्राई कर लिया तो आप भी अपनी चाय बिना इस मसाले के बिल्कुल नहीं पियेंगे। तो चलिए, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।